हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम। सुबह से कोई मैच भी नहीं था, कोई भी मतलब एक भी मैच 6 बजे 7 बजे कोई मैच नहीं था। सीधा दिन का पहला मैच है जो कि खेला जाएगा एलबीरेक्स निगाटा वर्सेस क्योटो सांगा के बीच 3:30 बजे। देखो भाई, मैं इसकी टीम प्राइम में नहीं दे पाऊँगा ड्यू टू आउट ऑफ स्टेशन, मैं थोड़ा बाहर हूँ। और जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक तो मैं स्टूडियो में ही था, लेकिन जब ये मैच होगा तो मैं बाहर होऊंगा, इसलिए इस मैच की टीम आपको प्राइम में भी नहीं आएगी, ओपन में भी नहीं आएगी। लेकिन ना आप वीडियोस देख के खुद प्रिपेयर कर सकते हो क्योंकि मैच थोड़ा बहुत अच्छा है। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस, हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है, सो आगे बढ़ते हैं। तो बात करें अगर हम इस मैच की, दिन दोस्तों एलबीरेक्स निगाटा एंड क्योटो सांगा दोनों टीम पॉइंट टेबल में नीचे से डाउन 5 में है, टॉप 5 तो छोड़ ही दो, ठीक है, सबसे ज़्यादा नीचे से 5 में है दोनों टीमें। तो दोनों टीमों का प्रदर्शन इस साल अच्छा नहीं रहा, लेकिन मेरे को ना कई टीमों के बारे में जैसे फीलिंग्स गुड आ रही हैं, जैसे क्योटो सांगा। मुझे लगता है कि क्योटो सांगा ने ये वाला सीज़न अच्छा नहीं खेला, हो सकता है नेक्स्ट अपकमिंग सीज़न में अच्छा करे, उसको अभी बहुत महीने पड़े हैं। लेकिन मैं क्योटो सांगा की रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत बड़ी टीम है, बहुत अच्छी टीम है। तो आगे चलते हैं। तो क्योटो सांगा के विनिंग चांसेस है 70%, 30% इनके है, मतलब 70-30 है ऑलमोस्ट। तो स्ट्राइकिंग सेक्शन में टी हारा को पहले लेना है। भाई साहब, इसका नाम ज़रूर हारा है लेकिन ये सामने वाले की बजा देता है, मैं इसको जानता हूँ अच्छी तरह। टी हारा के साथ जब से ये मिला है ना, इनकी टीम का एक प्लेयर है एम टूलियो, जो कि पहले ऑस्ट्रेलिया में खेला करता था। कहीं कम से कम 4 से 5 प्लेयर ऑस्ट्रेलिया से जापान लीग में आए हैं, और ये मैं लास्ट काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, काफ़ी महीनों से कि प्रदर्शन अच्छा नहीं कर रहे थे, लेकिन टूलियो ने अपनी फॉर्म को बहुत अच्छा रिमेन किया है। क्योंकि टूलियो जैसा स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर जिस टीम में हो, उसको जीत का डर ही नहीं होना चाहिए, मतलब हार का डर नहीं होना चाहिए। एंड आगे अगर बात करें तो वाई ओनो एंड के तानीगुची में से एक प्लेयर खेलेगा, और मेरे को मोस्ट प्रोबेबली चांसेस तानीगुची के लग रहे हैं, क्योंकि ओनो ने मोस्ट ओवर द टाइम फ्लॉप मैच खेले हैं, इसलिए मैं तानीगुची को यहाँ सेव कर रहा हूँ। बाकी कोई भी खेले मुझे मतलब नहीं है उससे। एंड मिडफील्डिंग की बात करें तो नेस कावासाकी इस टीम का मेन प्लेयर है, मेन मिडफील्डर। क्योटो सांगा मिडफील्डिंग के कारण मैच हारती है, मिडफील्डिंग बड़ी कमज़ोर है इनकी शुरू से, लेकिन कावासाकी इकलौता ऐसा प्लेयर है जो पॉइंट वॉइंट दे देता है। एंड अगर आगे बात करें तो इनकी टीम में एक प्लेयर और भी, जैसे टी मैट्सुडा, जो लोग लेना चाहते हैं, ठीक है, अभी तो वो खेल नहीं रहा। टी हिराटो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्लेयर है, हिराटो को भी लेते हैं लोग, लेकिन हम लोग थोड़ा ना सिंगल साइड टीम बनाएंगे जिसमें हमारी टीम में 4 डिफेंडर आ सकें, इसलिए मैं ना अभी इस मैच में अकियामा को तो ले रहा हूँ। उसके बाद डी गॉम्स की अगर बात करूँ, अगर ये खेलता है तो मैं 100% लूँगा, नहीं खेलता तो मैं पोटा को सेव करूँगा। लेकिन इन दोनों में से अगर एक प्लेयर खेलता है तो मेरे बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी, मतलब मैं वेट कर रहा हूँ कब लाइनअप्स आएँ, क्योंकि अगर टीम प्रिपेयर करनी भी तो मैं चाहता हूँ कम से कम ओटा की वापसी करवा दे भगवान, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं, अगर नहीं करेगा तो फिर मजबूरी में ही मटसुदा को लेना पड़ेगा। एंड डिफेंडिंग सेक्शन की बात करें तो देखिए, इतने सारे हाईली सिलेक्टेड प्लेयर हैं जिसमें फुजीवारा है, इनकी टीम का फिट्जर गैर्ड है, मैं बुरा नहीं कह रहा इनको, लेकिन मेरी टीम में मिसाओ को मैं यहाँ पे लूँगा। मिसाओ के बाद एस फुकुडा, ठीक है, जो बहुत मेन है फुकुडा। एंड थर्ड डिफेंडिंग पे असादा भी रह सकता है, लेकिन ना ऐसा है कि मियामोटो को ये लोग भेजेंगे, और मेरे को लग रहा है कि मेरे को 4 डिफेंडर लेना चाहिए। मैं आपिया को भी नहीं ले रहा भाई आज, मैं ना 4th डिफेंडिंग में जिसकी सिलेक्शन 0.6% है, वाइस सुजुकी, इसके साथ जाऊँगा। के सेटो अगर खेलेगा तो मैं सेटो को भी लूँगा, ठीक है। और गोलकीपिंग सेक्शन में कोजीमा, ठीक है, तो ये मेरी थोड़ी रेयर टीम है, थोड़ी अलग टीम है। एंड अगर मैं आगे बात करूँ कप्तान की, तो कैप्टन एम टूलियो और वाइस कैप्टन हारा है मेरा। लोगों ने थोड़ा मतलब बदला है, लोगों ने हारा को कैप्टन रखा, वाइस कैप्टन कईयों ने डिफेंडिंग में रखा, कईयों ने कावासाकी को रखा, लेकिन ये मेरी मेन टीम है, तो मैं इसी के साथ जाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।